आज हमारे साथ में मौजूद हैं नगर पंचायत सेतल के पूर्व चेयरमैन आमिर जैदी साहब। सर कैसे हैं? सब बढ़िया, मैं ठीक हूँ। जानना चाह रहा हूँ अभी मुख्यमंत्री जी का जो जन्म था उसमें 111 फीट का आपने जो केक बनाया था, क्या दिमाग के प्लान थे आपके? अच्छा, पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि मैं यहाँ का पूर्व चेयरमैन नहीं हूँ, मेरी मम्मी चेयरमैन यहाँ पर थी। मम्मी चेयरमैन? जी जी। और मैं यहाँ की जो इंडियन ITI है उसका चेयरमैन हूँ, और जो हमने 2007-08 में बनाई थी। दूसरा ये है कि मैं वर्ल्ड पीस ट्रस्ट जो एक संस्था है उसका मैं चेयरमैन हूँ। आपने सवाल ये किया कि जो केक बनाया वो क्या था, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये जो केक था इसका नाम था पीस ऑफ केक। तो ये शांति के लिए था, पूरे वर्ल्ड में शांति के लिए था। और जो योगी जी और मोदी जी की अच्छी योजनाएं हैं तो उसको लेकर, और जो योगी जी का पशु प्रेम है, क्योंकि मैं भी पशु प्रेमी हूं। पशु प्रेमी हैं आप? जी जी। और मैं उनकी जो योजनाएं हैं उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूं, इस वजह से मैंने उनके जन्मदिन पर, मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन पर मैंने ये केक बनाया था। आगे प्रधानमंत्री जी का भी जन्मदिन होगा तो इसी तरीका से आप? जी जी जी, मैंने ये कहा है कि आगे 2023 में मैं प्रधानमंत्री जी मोदी जी का केक उनके जन्मदिन पर बनाया जाएगा। और इसके अलावा मैं जानना चाह रहा हूँ, जैसे निकाय चुनाव के मात्र 4 महीने का समय बचा है, आपके परिवार से लगातार चेयरमैनी का चुनाव लड़ते आए हैं जी, भारतीय जनता पार्टी से, तो इस बार क्या सोच रहे हैं? मैं ही प्रत्याशी था पिछली बार भारतीय जनता पार्टी का जी, और अभी कुछ डिसाइड नहीं है। अभी डिसाइड नहीं है? जी जी। अभी यह है कि इसके बारे में अभी मैं कुछ कहना नहीं चाहता। वजह क्या है? आप तो दिग्गज नेताओं में आते हैं सेतल में, आपका नाम बहुत चर्चित है, आमिर जैदी साहब लोग की चर्चाओं में रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के एक मजबूत आप सिपाही हैं, आपके अलावा कौन फिर ऐसा कैंडिडेट है जो भारतीय जनता पार्टी से फिर चुनाव लड़ पाएगा? मैं आपको बताऊं कि जो मेरा उद्देश्य है वो राजनीति का जो उद्देश्य है वो शांति, सद्भावना और समाज सेवा है, वो मैं चाहता हूं कि वो मैं करता रहूं, करता आया हूं और करता रहूं। तो उसमें उद्देश्य कहीं पर चुनाव लड़ना नहीं रहा है, जो उद्देश्य है वो मेरा मेरे अपने हिसाब से वो पूर्ण रूप से वो कार्य चल रहा है जो मेरा उद्देश्य है। और जहाँ तक चुनाव की बात है तो उसके बारे में मैं भी कुछ नहीं कहना चाहता। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? लोग उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं कि आप फिर से चुनाव लड़ें, हो सकता है आप चेयरमैन बन जाएं इस बार। नहीं, आपकी बात सही है, ये लोगों की मोहब्बत है, जिन लोगों ने आपसे कहा, आप बता रहे थे कि लोग कह रहे हैं कि भाई वो उनको आना चाहिए, मगर यह है कि अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया है चुनाव लड़ना। आप ये बात इसलिए नहीं कह रहे हैं कि कंबर एजाज सानू ने बहुत ज़्यादा विकास कार्य करा दिए हैं सेतल में, इसलिए आप हताश हो गए, ऐसा कुछ तो नहीं है दिमाग में? नहीं नहीं, देखिए ऐसा है कि ये ऐसी बात कह के आप एक विरोधाभास पैदा कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, उन्होंने विकास कराए, विकास कार्य उन्होंने कराए। और नहीं नहीं, मैं मेरा अपना एक तरीका रहा है काम करने का, मेरी एक सोच अलग अलग तरीके की सोच रही है। जो भी चेयरमैन होता है पैसा ऊपर से आता है, विकास कार्य होते हैं, तो विकास कार्य हमारे समय में भी, मतलब मैं भी हुए, उनके समय में भी विकास कार्य हुए, तो मैं कोई उनके ऊपर या किसी भी चेयरमैन के ऊपर मैं कमेंट नहीं करना चाहता। अभी मैं आया था सेतल में तो वहाँ पर बहुत बड़ा पार्क है, और सानू जी कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम में समान तरीका से मैंने जो भी अगर भेदभाव के मैंने एक से विकास कार्य कराए हैं, और जो पार्क बनाया है पार्क में मैंने ये सुना है पहले कुछ जांचें वगैरह हुई थी, कुछ जानकारी में है आपके? देखिए इन सब चीज़ों की नो कमेंट। नहीं, आप विपक्ष वाले, आप नहीं, विपक्ष एक अलग चीज़ है, मगर यह है कि विपक्ष में चुनाव लगातार लड़ते आए हैं, तो जांचों के बारे में जानना चाह रहा हूं, क्या हुई थी पहले जांच? नो कमेंट। नो कमेंट्स। तो क्या जो लोग यहाँ पे आपसे निगाहें लगाए बैठे हुए हैं बड़ी आस के कि आप चेयरमैनी का चुनाव लड़ें जी, तो आप मना कर रहे हैं, इसका मतलब एक ही होता है, या तो सामने वाला जो मौजूदा चेयरमैन है उनने बहुत विकास कार्य करा दिए, वो हमारे लिए जगह ही नहीं बची है, एक तो वो मन में हताशा होती कि इनने इतने बढ़िया विकास कार्य कराए हैं मैं नहीं टिक पाऊंगा, तभी इंसान कहता है कि चुनाव नहीं लड़ूंगा मैं क्योंकि हारना मुझे निश्चित है, या इसके अलावा आपके अंदर कौन सी ऐसी वजह आ गई आप इतने हताश हो गए बिल्कुल? देखिए मैं आपको बताऊँ कि मेरी जो लाइफ का जो लक्ष्य है वो चुनाव लड़ना नहीं है। मैंने बताया मैं जो राजनीति करता हूँ, मैंने अभी आपसे कहा था, वो शांति, सद्भावना और समाज सेवा के लिए करता हूँ, वहाँ पर चुनाव लड़ना कोई लक्ष्य नहीं है। जो मैं करता आया हूँ
वो कर रहा हूँ। शांति सद्भावना में कहाँ दिक्कत आ गई? आप तो पिछले कई चुनाव लगातार लड़ते आए हैं, पिछले दो चुनाव में आपको मात दी है मौजूदा चेयरमैन ने, सानू जी ने। उस टाइम मेरा मन था कि मैं चुनाव लड़ूं, आज मेरा मन जो होगा वो मैं करूंगा। ये मन की बात है चुनाव लड़ना, ऐसा नहीं है, ना ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के आप मजबूत सिपाही अपने आप को बताते हैं, लेकिन आपके कार्यालय में कोई भाजपा नेता का फोटो यहाँ नहीं दिख रहा है, बड़े नेता का। और वहीं समाजवादी के जो मौजूदा चेयरमैन है सानू जी, उनके जब कार्यालय में जा रहे हैं तो तमाम हिंदू संगठन के जो नेता हैं वो भरा हुआ लगता है, भाजपा के नेता वो हैं। देखिए ऐसा है कि यहाँ पर काम चल रहा है, आप देख रहे हैं, अगर आप डालेंगे यहाँ पर कैमरा तो यहाँ काम चल रहा है। इसके ऊपर सुबह भी आज लोग आए थे यहाँ पर काम करने के लिए, इसलिए फ़ोटो उतार दिए गए। उसके बाद भी जो फोटो चिपके हुए थे वो हमारे विधायक जी उनका फोटो है, और हमारे प्रधानमंत्री जी का है, मुख्यमंत्री जी का है, सारे फोटो जितने भी हमारे राष्ट्रीय नेता हैं, प्रदेश के नेता हैं, सबका फोटो सामने लगा। छोटे फोटो हैं साहब, दूरबीन से अगर देख जाए तब भी नहीं दिख पाएंगे ये। भाई साहब जब यहाँ पेंट हो रहा है, इस कमरे में पेंट हो रहा है, तो जब यहाँ पेंट होगा तो जो फोटो है वो उतार दिए जाएंगे। फोटो को यहाँ उतार दिया गया है, मगर जो चुपके हुए फोटो हैं वो रह गए, उनको छुड़ाया जाएगा और फिर दोबारा फिर यहाँ पर जो है वो फोटो लेंगे। आप देख रहे हैं ना सब क्या कंडीशन है। आपकी सरकार केंद्र में भी है, यूपी में भी है जी, लेकिन आपके मन में इतनी हताशा है, आप लगातार चुनाव लड़ते आए लेकिन इस चुनाव को आप नहीं लड़ना चाह रहे हैं। देखिए हताशा जो है वो वहाँ होती है जहाँ पर आदमी राजनीति छोड़ के या आदमी मैदान छोड़ के भाग जाए। तो राजनीति छोड़ दी आपने? राजनीति नहीं छोड़ी है, चेयरमैनी का ख्वाब? राजनीति बिल्कुल नहीं छोड़ी है, राजनीति छोड़ेंगे भी नहीं। और चेयरमैनी का जहाँ ख्वाब की बात है, हमने तो आपसे ये नहीं कहा है कि हम चुनाव लड़ेंगे। लड़ भी सकते हैं, वो तो हमारी मन की बात है, लड़ भी सकते हैं, नहीं भी लड़ सकते हैं, उसमें कहीं पर हताशा का और इसका उसका कोई मतलब नहीं है भाई साहब। अच्छा फिलहाल जो आपके सेथल में देखा जा रहा है कि प्रकाश व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था, पार्क व्यवस्था, शमशान भूमि, कब्रिस्तान, सब जगह विकास कार्य जो दिख रहे हैं जी, आपको कुछ कमियाँ दिख रही हैं कि अगर आप चेयरमैनी का चुनाव लड़ें तो उन्हें पूरा कराना चाहेंगे? देखिए मैं आपकी बात बताऊँ, सेथल जिस टाइम के मम्मी चुनाव लड़ी थी और उसके बाद उनके विकास कार्यों में मैंने पूरा उनको सहयोग दिया था। और मैं आपको बताऊं कि सेंथल वो पहली नगर पंचायत थी जहां के स्ट्रीट लाइट लगाकर जनरेटर से उसे चलाया गया। ये सेंथल पहली नगर पंचायत, जितनी स्ट्रीट लाइट हमने स्टेशन से लेके और जो स्वागत द्वार है वहां तक लगा दी थी 2007 के चुनाव में, उससे एक भी पोल आगे नहीं बढ़ा है। नहीं, जहां तक कर गए थे बस वहीं तक है। वो तो कह रहे हैं सानू जी, कह रहे हैं ऐतिहासिक कार्य है, ऐतिहासिक कार्य अपने कार्य। आप जाके जनता से पूछ लीजिए, ये हम उनकी बुराई नहीं कर रहे हैं, मगर जब आप एक चीज पूछ रहे हैं तो उसको आपको बता रहे हैं कि स्टेशन से लेके और स्वागत द्वार, जो पूरब वाला स्वागत द्वार है आईटीआई के आगे, वहां तक स्ट्रीट लाइट हमारे मम्मी के समय में लगी थी, उसके बाद से ना इधर एक पुल बढ़ा और ना इधर एक पुल बढ़ा। वो तो ये कह रहे हैं आप, शमशान भूमि, कब्रिस्तान बोले, जो पहले रास्ते नहीं थे वो मैंने सब डलवा दिए। एक चीज आप समझिए, मौर्य लोगों का जो शब्दग्रह है वो हमारी मम्मी के समय में बना है, मौर्य लोगों की जो बाउंड्री है उसका निर्माण हमारी माता जी के समय में हुआ है, जो हमारे वैश्य बिरादरी का जो शब्दग्रह है, हमारे गुप्ता लोगों का शब्दग्रह है वो हमारी मम्मी के समय में बना है, यहाँ पर जो कश्यप लोग हैं उनका शब्दग्रह वो हमारी मम्मी के समय में बना है, या आप किसी से भी जाके आप मालूम कर लीजिए। इतने आपने विकास कार्य कराए हैं जी, तब भी आपके मन में इतना डाउट क्यों है कि चुनाव नहीं लड़ेंगे? नहीं, नहीं, आपको लड़ना चाहिए चुनाव? नहीं, नहीं, विकास कार्य से और चुनाव लड़ने से कोई मतलब नहीं है, ये बात हम की नहीं मानेंगे। अब तक की जिंदगी चुनाव में ही कट गई है, चुनाव में ही राजनीति में कट गई। ऐसा नहीं है, विकास कार्य एक अलग चीज है, चुनाव लड़ना एक अलग चीज है। आप बस आप नहीं चाहते हैं सेथल की जनता के लिए फायदे हों, भाजपा का चेयरमैन हो, जो विकास कार्य नहीं हो पाए वो फिर से तेजी रफ्तार पकड़े, सरकार आपकी है, लेकिन मन में इतना डाउट, बहुत संदेह पैदा कर रहा है। हमारे मन में बिल्कुल डाउट नहीं है, ऐलान कर दें कि लड़ेंगे चुनाव? ऐसा नहीं है, ये हमारे अकेले का फैसला नहीं होता, ये लोग हैं वो सब, वो लोग सब डिसाइड करते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। फिलहाल मेरा मन चुनाव लड़ने के लिए नहीं है। नहीं है, नहीं है। मगर ये कि अगर मैं चुनाव लड़ भी सकता हूँ तो उसके लिए कोई कहीं रुकावट नहीं है, ये मेरे मन की बात है, मैं चाहूँगा तो चुनाव लड़ूंगा और चाहूँगा तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। मन में आपके क्यों आ रहा है कि चुनाव नहीं लड़ूंगा? कुछ तो सोचते होंगे, कुछ तो दिमाग में होती है, जैसे मुझे बरेली नहीं जाना है तो मैं ये सोचूंगा मेरे अंदर थकान आ गई है, मेरे और काम है, ये मुझे आज नहीं आना है, कल चले जाना है, तो ऐसे कुछ ना कुछ तो आधार होंगे दिमाग में। पड़ोसी आपके चेयरमैन है सानू चेयरमैन, अब ये सारी चीज़ें मजबूत
तो आपको नहीं दिखना चाहता, इसलिए हताशा दिमाग में क्या? अब ये हताशा वाली बात नहीं है, ये सारी चीज़ें हम आपको नहीं बता सकते क्या है क्या नहीं है, आइए बैठे। ये थे हमारे साथ में नगर पंचायत सेथल से वरिष्ठ भाजपा नेता आमिर जैदी साहब। मैंने इनसे आपको भी कुछ बातें थी आपके सामने जानने की कोशिश करी कि नगर पंचायत सेथल का जो चुनाव, निकाय चुनाव का जो 4 महीने बाद होने वाला है, उसमें सेथल की जनता भाजपा प्रत्याशी के तौर पर फिर से आमिर जैदी साहब को देखना चाह रही है, लेकिन उनके दिमाग में भी डाउट है, संदेह है कि चुनाव लड़ूं या ना लड़ूं। अब ये संदेह क्यों है, इसका कारण अभी तक नहीं पता लग पाया है। संदेह इसलिए है कि मौजूदा चेयरमैन ने कुछ ज़्यादा विकास कार्य करा दिए हैं या उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है, अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। फिलहाल वो ये कह रहे हैं अभी मैं सोच समझ के या जो मेरे लोग हैं उनसे बात करने के बाद ही स्पष्ट करूँगा कि मैं नगर पंचायत चेयरमैनी का चुनाव लड़ूँ या ना लड़ूँ।